और अमरकंद मुख्य रूप से कैंसर रोगियों को जो भयानक पेन होता है उस पेन को बहुत आसानी से ठीक करने में काम आती है। इस समय हम उपस्थित हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर और एक दिव्य औषधि जो आधुनिक विज्ञान के लिए शोध का विषय भी है और इस औषधि को अमरकंद हम कहते हैं और अमरकंद मुख्य रूप से कैंसर रोगियों को जो भयानक पेन होता है उस पेन को बहुत आसानी से ठीक करने में काम आती है। आप इसको दूध में, गौमाता के दूध में अच्छे से बॉईल करके रोगी को पिलाएं तो बहुत ही लाभदायक होती है ये अमरकंद। और हमारी जो राजीव दीक्षित आयुर्वेद कैंसर शोध टीम है वो इसके ऊपर, इसके प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर रिसर्च भी करेगी। मैंने रिसर्च के लिए भी इसको रखा है कि आखिर ये खाली पेन के ऊपर ही कार्य कर रही है या कैंसर के सेल्स को भी कंट्रोल कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी शेप अगर हम देखेंगे तो जैसी कैंसर की शेप होती है, यानी कि ट्यूमर की जो शेप होती है, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी शेप है। तो इसको बहुत विस्तार से और हमें अध्ययन करना है और गौ माता की कृपा से निश्चित रूप से हम एक दिन कैंसर की जड़ें उखाड़ देंगे और मानव जाति का कल्याण करेंगे। तो आपके क्षेत्र में भी अगर ये होती है, छत्तीसगढ़ के खास करके लोग, तो हमें सूचित करें। इसके प्लांट हम अलग अलग क्षेत्र में लगाना चाहेंगे जिससे कि ये औषधि खत्म ना हो। अगर प्रकृति से खाली हम लेते रहे और दिया नहीं तो हम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसको रिसर्च के लिए इसके बीज वगैरह भी हम सैंपलिंग करेंगे। आप सबसे भी प्रार्थना है, आपके क्षेत्र में ऐसी कोई भी औषधि होती है जिसको हम कैंसर या अन्य बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं तो उस औषधि की प्रजाति को बचाना और साथ में उस औषधि के क्या क्या गुण हैं उसको रिसर्च करने के लिए आप राजीव दीक्षित कैंसर अनुसंधान टीम को दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जितना संभव होगा समाज से कैंसर को मुक्त करने का हमारा प्रयास है। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें।